The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. On clogged arteries, yani khoon ki nasein band ho jana, khoon ki nasein hard ho jana, aapke shareer mein khoon ki nasein bahut sari hain, आर्टरीज बथेरी हैं और इन आर्टरीज में कहीं पर भी क्लॉट्स बन सकते हैं, वहाँ पर प्लाक्स बन सकते हैं, वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होके होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग हो सकती है। ये प्लाक मतलब जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और बहुत सारी जो ब्लड के अंदर चीज़ें सब जमा हो रही हैं, राइट। सो ये एक प्लाक है, वो प्लाक अगर आपकी आर्टरी में बन जाता है, खून की नसों में, ये वो आर्टरीज होती हैं खून की नसें जो ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके उन उस ऑर्गन पे जाती है जहाँ पर आपका काम हो रहा है। सो अगर वहाँ जाने वाली खून की नस में प्लाक आ जाता है, क्लॉट आ जाता है, तो वो हार्ड होती जाएगी प्लाक से और क्लॉट आएगा, बड़ा होता जाएगा तो बड़ा बड़ा क्लॉट बन के वो बंद होती जाएगी। उससे क्या होगा, जितना ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा था वो नहीं जा पाएगा और इससे सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है अगर हार्ट की नस में जाने को प्रॉब्लम हो गई, अगर ब्रेन की नस में जाने को तो स्ट्रोक आ सकता है, किडनी की नस में जाने तो फिर रीनल स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस से जोरदार ऐसा ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होता उसमें, राइट। ऐसी भी कई चीज़ें होती है, पेट में दर्द हो सकता है, मेसेंट्रिक आर्टरी में अगर पेट की नसों में क्लॉट है तो कई जगहों पे क्लॉट आ सकता है और कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, बाकी सारी कंडीशन, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया। सो एथेरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हैं, याद रखिए, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये तो मेन है, लेकिन हाथों पैरों की भी नसों में क्लॉटिंग आ सकती है, हाथ पैर की नसों में भी इस प्रकार के एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स और क्लॉट्स बन सकते हैं। सो अगर हार्ट में होता है उसको बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिया मतलब खून कम जाना और इस्कीमिक हार्ट में हो रहा है, इस्कीमिया हार्ट में हो रहा है तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज इसको कहते हैं, जिसके वजह से आपकी जो नसें, हार्ट को जाने वाली नसों में जब ब्लॉकेज होता है तो उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हमने आपको पहले भी कई बार दिखाए हुए हैं, राइट, दीज आर द कोरोनरी आर्टरीज, है नहीं। सो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, सो दैट इज अ हार्ट अटैक, राइट। उस केस में पेशेंट को छाती में दर्द होगा, एंजाइना होगा, एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट या फिर घबराहट, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, पसीना आना, चलने फिरने पे ज़्यादा होगा, बैठे बैठे भी हो सकता है, लेटे लेटे भी हो सकता है, सो ऑल दीज थिंग्स। ये होगा जब होगा हार्ट की नसों में खून की ब्लॉकेज, तो साइन सिम्टम होंगे, वार्निंग साइन होंगे, अगर छाती में भारीपन है, दिक्कत है, विक्कत है, तो ऐसा। सो अगर यही क्लॉट आपके दिमाग में जाने वाली नस में आया तो क्या होगा, दिमाग में जाने वाली जो कैरोटिड आर्टरीज हैं आपके यहाँ गर्दन से ऊपर जाती है, अगर वहाँ पे क्लॉट आ जाता है, प्लैक आ जाता है, तो कैरोटिड आर्टरीज भी बंद हो सकती है, तो दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, इस्कीमिया दिमाग में होगा और इस्कीमिक ब्रेन डिजीज या कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी डिजीज इसको बोलेंगे, और ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है, कभी कभी क्लॉट जा सकता है ऊपर खूट टूट के, सो वो स्ट्रोक कर सकता है। और अगर यही चीज़ हाथों में हुई, हाथों या पैरों में हुई, तो ये पेरिफेरीज है, ये आपके बॉडी की पेरिफेरीज है, तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज इसे कहते हैं, PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वहाँ पर कोई भी मेजर आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो कोई बड़े हिस्से में खून की नस बंद हो सकती है, वो बंद हो गई तो वहाँ पे वो हिस्सा काला होने लगेगा, गैंग्रीन होने लगेगा, उसकी वजह से वो टूट के गिर भी सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती, डेंजरस इन्फेक्शन भी आ सकता है उसके अंदर, दैट इज पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। फिर किडनी में जाने वाली नसें अगर ख़राब हो गई ऐसे, तो किडनी में प्लैक बन गया तो धीरे धीरे किडनी में खून कम जाएगा, वो किडनी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होनी शुरू हो जाएगी, किडनी सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किडनी का फंक्शन ख़राब होते जाएगा, आपको बीमार होते जाओगे। सो ये होता है एक्चुअल एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसके आउटलुक क्या है, देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस क्या सभी को होगा, नहीं, देखिए किसको नहीं होगा पहले तो वो समझ लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी जो लोग करते हैं उनमें नहीं होगा, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते वो रिस्क बढ़ा देते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अनहेल्दी डाइट है, मोटापा है, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को ज़्यादा हो सकता है, राइट। सो कॉजेज में आपको याद रखना है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, व्हाटएवर, इवन धुआं, वेपिंग और व्हाटएवर, खाली धुआं, पॉल्यूशन, ट्रैफिक का धुआं, ट्रक के पीछे से निकलने वाला धुआं, आई डोंट केयर, कोई भी धुआं इज अ कॉज, ठीक है।
फैट्स और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है आपके ब्लड में, ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो भी जब भी कोई बॉडी के अंदर धुआं ऐसा जाता है, करता क्या है, खून की नसों में क्रैक्स लाता है। जब ये क्रैक आता है तो क्रैक को भरने का काम कोलेस्ट्रॉल और फैट का है। अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल फैट ज़्यादा होगा, वो बोलेगी चलो 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 दो दो भर जाओ, दो दो भर जाओ, तीन तीन भर जाओ, जाओ 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 जमा हो जाओ। सो दैट इज़ दी आइडिया हियर। सो कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए बॉडी में लेकिन नॉर्मल लेवल में चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल नहीं चाहिए, डबल ट्रिपल चौबल नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हाई इट्स ओके। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। कॉजेज में ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर विल कॉज क्रैक्स एंड वेयर एंड टेयर इन दी आर्टरीज, आर्टरीज में क्रैक होंगे, वहाँ पे जमा होगा। फिर शुगर ज़्यादा है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ वाले केसेस में वहाँ पर शुगर, भाई साहब बर्तन में जब शुगर चाशनी बनाते हो क्या होता है, बर्तन का परत बन जाती है ना, घसर घसर के निकालना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, वैसे ही आपके खून के अंदर थोड़ी थोड़ी चाशनी, मतलब बेसिकली इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर बहुत ज़ोरदार, वो चाशनी तो नहीं चिपकी रहती बट इन्फ्लामेशन होता है। रिमेंबर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स एंड स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सारे इसके कारण हैं। और प्लैक बन जाएगा, आर्टरी में डैमेज होगा, आर्टरी हार्ड होगी, कई बार आर्टरी प्लेक टूट भी सकता है, प्लेट प्लाक जो है वो पिंपल के जैसे फट जाता है, कई बार पिंपल के जैसे प्लाक फट जाता है, फट के उसमें फिर क्लॉट बन जाता है और बड़ा सा क्लॉट और नस बंद हो जाती है, अटैक आ जाता है, ब्रेन का ब्रेन अटैक, हार्ट का तो हार्ट अटैक, ऐसे तो अटैक आ जाते हैं ऐसे में। सो इसमें फिर आपको कई सारी दवाइयाँ, कई सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, हार्ट के केस में जान जा सकती है, दिमाग के केस में जान जा सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स अपने मैनेज करें, रिस्क फैक्टर क्या मैंने ऑलरेडी, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, ओवरवेट, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं फिजिकल एक्टिविटी करिए, फैमिली हिस्ट्री है तो रेगुलर चेकअप कराइए, ओल्ड एज है तो रेगुलर चेकअप कराइए, ये सब करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। फिर अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिस्क फैक्टर हाई है, टेस्टों में स्टडीज़ में देखा गया, अगर आपका HSCRP यानी हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई है तो आपकी बॉडी में एथरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज़्यादा है, ऐसे केसेस में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, इन्फ्लामेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। सो हर एक केस में देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट, ऐसा नहीं है कि हाँ ओके मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मैं तो मरूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राइट। फिर इन्फ्लामेशन बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है इंजरी और इन्फेक्शन का, तो इन्फ्लामेशन भी चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फ्लामेशन नहीं चाहिए। सो CRP लेवल्स आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जिसका CRP लो है उसको एथरोस्क्लेरोसिस हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, जिसका हाई है उसमें ज़्यादा फास्ट होगा, सो दैट इज़ वन थिंग। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो तो भी एथरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि स्लीप एपनिया, मान लो आप सो रहे हो आपको नींदी सही से नहीं आ रही, योर बॉडी इज़ नॉट रेस्टिंग प्रॉपरली। स्लीप एपनिया का मतलब हमने ऑलरेडी पहले बताया है कि सोते सोते सांस बंद होने लग जाती है क्योंकि आपकी गर्दन जबान ही इतनी भारी है कि जबान पीछे गिर जाती है और जबान आपको नहीं पता चलता वो, लेकिन सोते सोते दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जाता और एकदम से उठ जाते हो, फिर आप कभी गहरी नींद में नहीं सो पाते, फिर सारा दिन नींद आती रहती है, रात को खराटे लेते रहते हो, सारा दिन कहीं पे भी सो जाते हो, कई बार ड्राइविंग करते करते थोड़ा भोड़ते एक्सीडेंट हो जाता है। सो स्लीप एपनिया से बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज़ोरदार तरीके से बढ़ जाता है, बीपी शुगर, थायराइड, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ये सब बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ा कारण है भैया। आप स्ट्रेस्ड हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, जिंदगी भर स्ट्रेस नहीं लेना भैया, छोटे बच्चों के साथ स्ट्रेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा होता है, ओके, दिल पर नहीं लेनी बात, दिमाग पर नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, वाइफ से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, काम सही नहीं चल रहा, वॉट एवर द स्ट्रेस मे बी, पैसे की प्रॉब्लम है, कोई भी स्ट्रेस हो, दैट स्ट्रेस इज कॉजिंग मोर डैमेज इन द फ्यूचर, आगे चल के आपके और पैसे चल जाएंगे भैया। स्ट्रेस करना मतलब पैसे फेंकना, ऐसा इसको मान के चलो, ऐसा स्ट्रेस है मतलब 100 का नोट, 500 का नोट गया, सीधी सी बात समझ लो कि आगे चल के उतने ही लाखों रुपए लगेंगे आपके हॉस्पिटलों में, है ना। सो स्ट्रेस मत लो, पैसे बचाओ, दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट यू नो सेविंग प्लान इन द लाइफ, कोई नहीं बताएगा इतना, राइट। फिर दारू, जी हाँ, अल्कोहल एक खतरनाक रिस्क फैक्टर है, वो आपके एथरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ाता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, और लेकिन लिमिट में नहीं, हाँ हैवी भर पियेंगे तो ही। सो हैवी ड्रिंकिंग से होता है, लिमिटेड ड्रिंकिंग में नहीं, लिमिटेड मतलब एक पैक या दो पैक, दैट्स इट, 30 ml, 30 ml 1, 30 ml 2, 60 ml डन, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं, वो भी जब भी पियोगे, एक बार भी, रोज भी पी रहे हो तो इतना ही, हफ्ते में एक बार पी रहे हो तो भी, साल में एक बार पी रहे हो तो भी, इतनी लिमिट है, रोज नहीं पीना है, हफ्ते में एक बार या दो बार पी लो बहुत है, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू इट। देन व्हाट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट एथरोस्क्लेरोसिस के लिए, क्या स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है। अब देखो,
स्क्रीनिंग में एज आई सेड HSCRP होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होंगे, टेस्ट में आपका ECG, इकोकार्डियोग्राफी हो सकता है, अगर हाथ पैरों में कहीं पे हमें डाउट लग रहा है तो वहाँ का आर्टीरियल डॉपलर, कैरोटिड आर्टरी डॉपलर हो सकता है, हाथों का कैरोटिड आर्टरी डॉपलर हो सकता है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है कि नस में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, दोज आर द टेस्ट विच वी डू। फिर उसके बाद बात आती है आपके बीपी शुगर वो सब चेक करने की, वो मैनेज वो भी करना पड़ता है। फिर प्रिवेंशन कैसे करोगे, बहुत सिंपल, पांच स्टेप प्रोसीजर है। नंबर वन स्टेप है हेल्दी ईटिंग, सही खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, बहुत सारे वीडियो है बैलेंस डाइट पे बनाया हुआ, जाके देखो। फिर फिजिकल एक्टिविटी रखो, चलना फिरना रखिए, सीढ़ी को लीजिए, लिफ्ट को बंद करिए, राइट, दौड़िए भागिए, जिम जाइए। थर्ड स्टेप स्मोकिंग क्विट करिए, फोर्थ स्टेप वजन कम करिए, और फिफ्थ स्टेप सही मात्रा में सोइए। भैया लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, चिंता चिता बराबर है, क्यों बोलते हैं, कोई चिता के पास खींच ले जाती है आपको। तो याद रखिए साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर बता रहा हूँ। अगर आपके कोरोनरी आर्टरीज यानी कि हार्ट को जाने वाली खून की नस में क्लॉट आ जाता है, वहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, वहाँ पे बंद हो रहा है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि रिदम प्रॉब्लम हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, स्वेटिंग पसीना आ सकता है, एंजाइना हो सकता है, ये चलने फिरने पे बढ़ेगा, बैठने पे रिलैक्स होगा, अगर शुगर है तो हो सकता है साइलेंट हो, साइलेंट अटैक भी होता है। कैरोटिड आर्टरी में दिमाग को जाने वाली खून की नसें में अगर दिक्कत आ जाती है तो फिर दिमाग को जाने वाली खून की नसों में दिक्कत आ जाती है तो फिर क्या होगा, सडन वीकनेस हो सकता है, एक हाथ स्ट्रोक आ सकता है, एक हाथ पैर, एक काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, बात नहीं कर पा रहे हैं, दिख नहीं रहा, एक पल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही, चक्कर आने लगा, बेहोश हो गए, वट एवर, सर दर्द होने लगा, ऐसे दिमाग के साइन सिम्टम आएंगे। और पेरीफरी आर्टरी में अगर दिक्कत हो गई तो क्या होगा, वो पेरीफरी आर्टरी आपकी ठंडी होने लग जाएगी, एकदम नम हो जाएगी, दर्द होने लगेगा और काली काली पड़ने नीली पड़ने लगे, पहले नीली फिर काली। और किडनी में अगर दिक्कत हो, किडनी में खून के क्लॉट आ गया, खून के नसों में, तो धीरे 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 आपको क्रोनिक किडनी डिजीज होने लग जाएगी। कल इसके बेसिक कोई साइन सिम्टम नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए चुपचाप किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपी, EGFR रेगुलर कराना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रेगुलर टेस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके 200 रुपए 400 रुपए उतने मायने नहीं लगते जितने 4 लाख 10 लाख या 40 लाख लग जाएंगे अगर किडनी खराब हो गई तो। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं साल में एक बार टेस्ट कराओ, डॉक्टर पागल नहीं है, समझे, आपके भले के लिए पूछ रहे, राइट। दिवाली है, दिवाली के बाद चेकअप करा लेना, ऐसा कुछ नहीं आज ही के आज, खाली पेट कराना सुबह सुबह, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो याद रखिए, हार्ट में हुआ तो कार्डियोलॉजिस्ट, और हाथों पैरों में हुआ तो वैस्कुलर सर्जन, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट होते हैं, दिमाग में हुआ तो न्यूरोलॉजिस्ट, और किडनी में हुआ तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका इलाज करेंगे, और ब्लड टेस्ट से लेके ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, CT स्कैन, स्ट्रेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट, एंजियोग्राफी कई बार करनी पड़ जाती है, सो इन सारे टेस्टों से अपने को नहीं वो करना है। रिमेंबर द ट्रीटमेंट इज सिंपल, प्रिवेंशन इज क्योर। दवाइयों में इन सब चीज़ों की दवाइयाँ आप इन डॉक्टरों से जाके ले सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, नो बिग डील। ऑपरेशन भी हो सकते हैं कई बार, अगर हार्ट में आ गए तो छल्ले लग जाते हैं, किडनी में भी छल्ले लग जाते हैं, हाथों में भी क्लॉट खींच के निकाल लिया जाता है, खून पतले करने की दवाइयाँ दी जाती है, नो बिग डील। सो देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, बिग डील नहीं है, लेकिन डायग्नोस तो हो, पता तो चले कि क्लॉट हुआ है कि नहीं। मान लो आपके घर का जो सीवेज पाइप है वो बंद हो गया, जिस दिन बंद हुआ थोड़ा सा पानी हुआ, आपने किसी को बुला लिया, उसने तार मारा, वट एवर इट इज, खुल गया, साफ हो गया, कुछ हुआ, कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। मान लो बंद हुआ और गलती से उसी दिन आप छुट्टी पे चले गए, 4 दिन बाद आए, पूरा घर भरा है, सारा भर गया पानी पानी, वो गंदा वाला पॉटी वाला, नाउ वॉट, सारे फर्नीचर सारा, ये क्या हो गया, ये खूंखार नुकसान हो गया। सो ऐसी खूंखार नुकसान हो जाता है आपके बॉडी के अंदर अगर आप रेगुलर टेस्ट नहीं करवाते हो, राइट। सो साइन सिम्टम्स के लिए देखिए, रेगुलर टेस्ट कराइए, अपने घर को मत बर्बाद करिए, अपने हेल्थ को मत बर्बाद करिए, दिवाली है, दिवाली के दिन ऐश करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, हैप्पी दिवाली।